इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान में लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। एसीएस होम राजीव स्वरूप प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाइडलाइन की जानकारी दे रहे हैं। लॉकडाउन 4 को लेकर प्रदेश के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। नई गाइडलाइन को लेकर एसीएस होम राजीव स्वरूप जानकारी दे रहे हैं। 3 सिद्धांतों पर आधारित होगी यह गाइडलाइन। रोजगार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीएस होम राजीव स्वरूप ने कही है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोग बाहर नहीं निकल सकते। सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानें सशर्त खुल सकती है। पान गुटखे पर पूरी तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, निजी कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ ही कार्यालय खुलने की अनुमति होगी। कोरोना को लेकर लोग पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं, ये बात एसीएस होम राजीव स्वरूप कह रहे हैं। लोगों को मास्क लगाकर ही घरों से निकलना होगा। बड़ी खबर, कंटेनमेंट जोन में पुरानी स्थिति बरकरार रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई तब्दीली नहीं की गई है। एसडीएम की इजाजत के बाद ही शादी समारोह आयोजित हो सकते हैं। शादी के लिए एसडीएम से इजाजत लेने की जरूरत होगी। 50 लोगों की अनुमति मिल सकेगी। ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गाड़ियां चल सकेंगी। बड़ी खबर ग्रीन जोन के लिए, राजस्थान में लॉकडाउन 4 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसीएस राजीव स्वरूप ने नई गाइडलाइन को लेकर जानकारी दी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरू का फोन लाइन पर मौजूद है। जी पिंटू, क्या कुछ अपडेट है, नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है? देखिए आशीष, लॉकडाउन 4 की आज गाइडलाइन राजस्थान सरकार की ओर से जारी हो गई है और इस खासतौर पर इसमें काफी रियायत दी गई है। जो डिमांड की जा रही थी ऑटो और बस सेवाएं की, तो जो ग्रीन जोन है उसमें ऑटो और बस सेवा संचालन की इजाजत दी है। साथ ही एक बड़ी बात की जाए तो एसीएस होम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी कि सुबह 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई भी नागरिक घर से नहीं निकल पाएगा। इसके साथ ही जो नाई की दुकान और सैलून और ब्यूटी पार्लर है उनको भी खोलने की अनुमति दी है। हालांकि ये आदेश जारी किए हैं कि उनकी जिम्मेदारी ब्यूटी पार्लर वालों की होगी, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरते। साथ ही जो शादी समारोह को लेकर भी एक आदेश जारी किया है कि शादी में 50 लोग शामिल हो सकते हैं और शादी करने से पहले एसडीएम से इजाजत लेनी होगी, उसके बाद ही शादी समारोह होंगे। साथ ही जो ग्रीन जोन है उसमें वाहन चलाने की अनुमति दी है। तो काफी कुछ रियायतें इस लॉकडाउन में, इस गाइडलाइन में दी गई है और जो कुछ जो प्रतिबंध थे जो पहले की तरह पान गुटखे पूरी तरह से अभी भी प्रतिबंध रहेंगे। और रोजगार बढ़ाने की कहीं ना कहीं इसमें कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा अब जो गाइडलाइन आई है इसके तहत की लोग काम धंधे शुरू कर सके ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोग पलायन नहीं करें, क्योंकि काफी दिक्कत, करीब 2 महीने के लगभग ये लॉकडाउन जारी है और ऐसे में लोगों को रोजगार की एक बड़ी चिंता है। तो रियायत दी गई है, जो केंद्र ने जो ढील दी थी और राज्यों पर छोड़ा था उसी के अनुरूप आज यहाँ पर राजस्थान सरकार ने काफी कुछ रियायतें दी है। खासतौर पर जो नाई की दुकान है, ब्यूटी पार्लर है, चाहे जो ऑटो चालक है, जो बस संचालक है, उनको कहीं ना कहीं रियायत दी है। और बस चलाने का कारण ये भी है कि जो निजी ऑफिस और जो सरकारी कार्यालय है इनमें 50% जो स्टाफ है उनको आने की अनुमति दी है। अब जो निजी कार्यालय और सरकारी कार्यालय है उनमें 50% स्टाफ के साथ वो खुल सकेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऑटो और बस है उनकी जरूरत थी। हालांकि जो कर्फ्यू ग्रस्त इलाके हैं वहां पर पाबंदी जारी रहेगी। फिलहाल ये जो बड़ी कहीं ना कहीं जो रियायत दी गई है वो नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर, सैलून और जो स्टाफ है निजी और सरकारी उनको ये कहीं ना कहीं बड़ी रियायत यहाँ पर दी गई है। हालांकि एसीएस ने ये भी कहा कि अब कोरोना को लेकर लोग पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं, लगातार लोग मास्क पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब रोजगार को बढ़ाना जरूरी है, इसीलिए अब ये रियायत दी जा रही है। जी आशीष जी बिल्कुल। पिंटू यहाँ पर एक सवाल ये है कि रेड जोन जिसे माना जाता है, तो क्या पूरे जिले को उसमें रेड जोन शामिल किया जाएगा या फिर विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार जोन की घोषणा की जाएगी? देखिए फिलहाल पूरी तरह से उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी, लेकिन पूरे जिले को इसमें नहीं बनाया गया है, क्योंकि जिले के अंदर जो अलग अलग जोन बने हुए हैं जहां पर मामले ज्यादा हैं, संक्रमण के केस ज्यादा हैं, वहां पर पाबंदी रहेगी और जहां पर कम है केस उन इलाकों को, उन बाजारों को खोला जाएगा। जी जी इसके अलावा बात करें, नाई की दुकान खुलेगी, सैलून ब्यूटी पार्लर की दुकानें खुलेंगी, तो क्या राजधानी जयपुर में जिस प्रकार से विस्फोट हो रहा है कोरोना का, उदयपुर में बड़ी संख्या में लोग निकल करके आ रहे हैं, बांसवाड़ा में आ रहे हैं, तो ऐसे में किस प्रकार की कोई व्यवस्था रहेगी? कोई खुलासा किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुल पाएंगे या शहरी क्षेत्रों में जहां पे कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं वहां पर नहीं खुल पाएंगे ये दुकानें?
देखिए आशीष, पहले भी जब ये रियायतें दी गई थी आपको याद होगा कि सबसे पहले अगर लॉकडाउन भी किसने लगाया तो राजस्थान सरकार ने लगाया, और सबसे पहले रियायत भी अगर लॉकडाउन में दी तो गहलोत सरकार ने दी। पहले भी जब दो बार कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार ने रियायत दी है, लेकिन उनका ये मानना है कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं और वो नियमों का पालन कर रहे हैं। जो केस आ रहे हैं उन पर पूरी तरह से निगरानी की जा रही है, उनकी रोकथाम की जा रही है, लेकिन अब रोजगार को बढ़ाना बड़ी चिंता है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, लोगों के सामने संकट खड़ा हो रहा है। ऐसे में जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं उनको छोड़कर जो बाकी की जगह है वहां पर काम धंधों को शुरू किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आए और लोगों को भी रोजगार मिले। इसी को देखते हुए जो इलाके संक्रमण से कम है गर्शित वहां पर ये सब चीजों को छूट दी गई है। अगर जयपुर की बात की जाए तो चार दीवारी को छोड़कर जो इलाका है उन सब इलाकों में ऑटो बस सेवा को शुरू किया जाएगा। साथ ही जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हैं उनको भी खोलने की अनुमति दी है। फिलहाल जो शिक्षण शैक्षणिक संस्थान है और जो जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उन सबको लगातार प्रतिबंध रखा गया है। जी, जयपुर में परकोटे के अलावा अब बाहरी क्षेत्र में भी बहुत अधिक संख्या में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, तो कंटेनमेंट जोन का क्या क्राइटेरिया रहेगा इसको लेकर के कुछ खुलासा किया गया है? फिलहाल ये खुलासा नहीं किया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी सीमित थी, लेकिन जल्द ही आदेश की कॉपी आ जाएगी और उसको पढ़ने के बाद ही ये सब कुछ पता चल पाएगा। लेकिन उन्होंने सीमित कर दिया कि ग्रीन जोन में ऑटो बस सेवाएं चल सकेगी और ऑरेंज जोन में शर्तों के साथ ऑटो और बसों को चलाया जा सकेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका, जिन्होंने अपडेट दी नई गाइडलाइन को लेकर। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है प्रदेश में लॉकडाउन 4 को लेकर। ACS राजीव स्वरूप ने नई गाइडलाइन